नमस्कार किसान भाइयों, मैं विक्रम तोमर आपकी अपनी फसल समाधान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज मैं बात करने वाला हूं आलू की फसल से खरपतवारों को कैसे खत्म किया जाए। जी हां किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में ऐसी दो दवाओं के नाम बताने वाला हूं जिसे आप मिलाकर जमे हुए यानी उगे हुए खरपतवारों को खत्म कर सकती हैं। साथ ही साथ दवा को लगाने के बाद खरपतवार जमेंगे नहीं यानी इसे आलू की फसल में खरपतवार निकलेंगे नहीं। आपने देखा होगा कुछ किसान बुवाई के तुरंत बाद पैंडी मैथिलीन दवा का प्रयोग करते हैं। 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पैंडी मैथिलीन लगाने के बाद खरपतवार निकलता नहीं है। इस दवा का प्रयोग आलू की बुवाई के 12 घंटे के पहले पहले इस दवा का प्रयोग किया जाता है, यह आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, कुछ किसानों को आपने देखा होगा मैट्री का प्रयोग करते हैं, मैट्री भी 70%। जी हाँ किसान भाइयों, इसका प्रयोग खरपतवार उगने के बाद किया जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, यह उगे हुए खरपतवारों को मारता है। इस दवा का प्रयोग नमी में किया जाता है, जब खरपतवार निकल आए तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, पेंडा का प्रयोग बुवाई के 12 घंटे के पहले पहले किया जाता है और मैट्री का प्रयोग खरपतवार निकलने के बाद किया जाता है नमी में। एंडी मैत्री खरपतवारों को निकलने से रोकती है और ट्रीब्यूजन उगे हुए खरपतवारों को खत्म करती है। लेकिन इस वीडियो ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसे आप उगे हुए खरपतवार को खत्म कर सकते हैं, साथ ही साथ आगे वह खरपतवार जमेंगे नहीं यानी उगेंगे नहीं। आलू की फसल से खरपतवारों का सफाया करना चाहते हैं, ऐसे दोनों दवाओं का लगाने का तरीका बताऊंगा, ऐसे आप लगाकर खरपतवारों का अंत कर सकती हैं। जी हाँ किसान भाइयों, को स्प्रे करते समय पैंडी मैथिलीन और मैट्रीब्यूजन। जी हाँ किसान भाइयों, पैंडी मैथिलीन 30% EC और मैट्रीब्यूजन 70% WP एक साथ घोल करके अपनी फसल में इसका छिड़काव करना है। चलिए अब जान लेते हैं आलू की फसल में इसकी डोज क्या है। किसान भाइयों, पैंडी मैथिलीन यानी UPL का दोस्त नाम से पेंडा आता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आता है, इसे आप ले सकते हैं। 1 एकड़ में इसकी मात्रा जाएगी 1 लीटर प्रति एकड़। इसके साथ आपको दूसरी दवा लेनी है मैट्रीब्यूजन 70% WP जो कृषि रसायन की अच्छी क्वालिटी की मैट्री आती है क्रिजन नाम से, तो आप क्रिजन को ले सकते हैं। 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पेंडा में मिलाकर इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपको डोज ध्यान रखनी है, पेंडा मैथिलीन आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसके साथ साथ आपको मैट्री लेनी है जो क्रिजन नाम से आएगी। इसे आप 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस दवा में पेंडा में मिलाकर आप अपने आलू की फसल पर छिड़काव कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं दवा को लगाने का सही समय कौन सा है। किसान भाइयों, इसे आप बुवाई के तुरंत बाद इन दोनों दवाओं का स्प्रे कर सकते हैं। आपके खेत में खरपतवार जम गए हैं तो भी आप इस दवा दोनों दवा का प्रयोग कर सकते हैं। आप इन दवाओं का प्रयोग अपने आलू की फसल में करते हैं तो यह जमे हुए खरपतवारों को खत्म करेगी, साथ ही साथ आगे यह खरपतवारों को उगने नहीं देगी, तो आप दोनों दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्त UPL का दोस्त आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और क्रेजन जो कृषि रसायन की आती है इसे 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यह लेनी है। डोज का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे फसल समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय किसान।